टाटा सफारी की फैन फॉलोइंग अनमैचेबल है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे सफारी स्ट्रोम की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि टाटा मोटर्स सफारी को रीलॉन्च करने जा रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में जो सफारी है वो बिम्बल डिज़ाइन के द्वारा डिजिटली रेंडर्ड किया गया है। ये डिजिटली रेंडर्ड सफारी स्ट्रोम बेसिकली ओल्ड और न्यू सफारी का कॉम्बिनेशन है। बात करें फ्रंट की तो इसकी बॉडी सफारी स्ट्रोम वाली ही है, लेकिन इसके ग्रिल प्रेजेंट सफारी वाली है। सेंटर में स्ट्रोम की बैजिंग मिल जाती है, ड्यूल बैरल वाले एलईडी हेडलाइट मिल जाते हैं, नीचे अल्ट्रोज वाली फॉग लैम्प मिल जाती है, ग्रे कलर की स्कीड प्लेट भी मिल जाती है इसमें। बात करें साइड की तो इसमें प्रेजेंट सफारी वाली अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बाकी पूरा बॉडी डिजाइन सेम ही है। बैक साइड में हमें टाटा सफारी स्ट्रोम क्लासिक VX और 4x4 की बैजिंग मिल जाती है। बात करें इसके नाम टाटा सफारी स्ट्रोम क्लासिक की तो इसके पीछे का मेन रीज़न है कि जिस टाइप से महिंद्रा ने स्कॉर्पियो इन के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक को लॉन्च किया, वैसे ही बिम्बल डिज़ाइन का कहना है कि टाटा मोटर्स को भी सफारी की क्लासिक वेरिएंट को लॉन्च करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या टाटा मोटर्स को इसको रीलॉन्च करना चाहिए या नहीं।